हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट, बोले तो आरजे अजीत। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी आपकी ब्लेसिंग से बिल्कुल ठीक हूं। आप सब लोगों को पता कि जैसे हम लोग देश चेंज करते हैं ना, ऐसे हम अपनी स्टेटमेंट्स भी चेंज करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब जम्मू में था तो उस वक्त मेरा नाम कुछ और था, तो यहाँ आके जस्ट फील हुआ, कुछ ऐसा मज़ा आया कि कुछ नाम अलग सा रखूँ, तो रखा मास्टर एक्स कतर वाले। तो चले, कहते हैं पहचान बनाने के लिए आदमी को जुफ्तजू करनी पड़ती, वही जुफ्तजू मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस वक्त 7:40 हुए और इस वक्त आज हमारा आखिरी वर्किंग डे है। मतलब आखिरी वर्किंग डे, हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी अल्लाह भी हम पे मेहरबान हो जाता है। वो तब मेहरबान होता है कि जब कभी ईद पास होती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज से हमारा छुट्टी का वेकेशन का टाइम शुरू है और कल है बकरीद। मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये त्यौहार, ये जो दिन जो होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं। इसमें सब लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं और एक साथ मिलके खाना खाते हैं और अपने दुखों को शेयर करते हैं। मतलब कहने का मतलब भाव ये है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हर इंसान, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, मैं कहता हूँ कि अगर वो हर रोज़ अपनी नमाज पढ़ रहा है, अगर वो हर रोज़ गुरुद्वारे जा रहा है, अगर हर रोज़ वो कुछ अपने गॉड के साथ कनेक्टेड है, तो उसे हमेशा गॉड के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। और मैं सब जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको ये कहूँगा भाई, आप सबको बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त अल्ताफ भाई मेरे साथ हैं और अल्ताफ भाई भी मेरे साथ हैं और बहुत अच्छे, मतलब इतने सपोर्टिव हैं, इतने प्यारे कि हमेशा गाइड करते रहते हैं कि अजीत भाई ऐसा है, ऐसा है। तो दुनिया में बड़े कम अच्छे लोग होते हैं जो किसी को गाइड करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अच्छा लग रहा है, आज मेरा 10वां 11वां दिन है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है, कितनी प्यारी रोड़े हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ओवरऑल सारी बातों के पीछे यही आती है कि आज मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करूँगा ईद की। और आप सब लोगों को, आप जहाँ भी हो, जिस देश में भी हो, जिस स्टेट में भी हो, मेरी तरफ से आपको बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह ताला वाहिगुरु सच्चे पातशाह आपको फिट रखे, खुश रखे और जो विश आपके दिल में है वो आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो। वो कहते ना कि तमन्ना वो तमन्ना है जो मरकर भी पूरी ना हो, तमन्ना वो तमन्ना है जिसे अरमान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने दिल में अरमान को जगाए रखें और मेरे साथ बने रहें। मैं आपका अपना आरजे मास्टर एक्स कतर वाले।